और इस पर प्राइम मिनिस्टर ने अपने खदशात का खुलकर इजहार कर दिया है। साथ ही साथ ये जिम्मेदारी उन्होंने ऑपोजिशन पर आयद करने के हवाले से भी बात की है। लेकिन जनरल साहब, आप समझते हैं कि सेनेट के बाद पार्लियामेंट के मुश्तरक इजलास में भी बिलों की मुखालफत करेगी ऑपोजिशन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरा नहीं ख्याल के करेंगे, क्योंकि ये कौमी मसला, इसका एहसास होना चाहिए। और अगर मुखालफत करें तो ये मेरा ख्याल बहुत बड़ी ज्यादती होगी। ये किसी के सर पे एहसान नहीं है। अगर कोई वोट देता है इसकी फेवर में तो मैं नहीं समझता कि उसकी मेहरबानी है, उसको एहसान समझा जाएगा या पार्टी के साथ, पीटीआई के साथ कोई फेवर समझी जाएगी। ये कौमी जरूरत है। आज ये हुकूमत है, कल नहीं होगी और फिर किसी और पार्टी की होगी, तो यही मसला अगर गले में लटका हुआ तो आप सोचें कि उस दूसरी पार्टी को इकोनॉमी अगर ब्लैकलिस्ट में जाती हुई मिले तो क्या करेंगे। तो ये इन चीजों के ऊपर तमाशे खड़े करना, सियासत करना, ये मुनासिब हरगिज नहीं। ये कहना कि जनाब इसके आप हुकूमत इनको आके मनमनाए करे, बड़ी अच्छी बात होती अगर हुकूमत रब्ता करती, आगे बढ़ती। लेकिन अगर नहीं भी किया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि अगर कल कश्मीर पे बहस हो, हुकूमत ने आके नहीं इनको बुलाया तो कश्मीर जो है उस पर हम सारे अपने हथियार फेंक के कहें जी ठीक है, जो भारत कर रहे हैं वो ठीक है। ये नहीं हो सकता। तो मेरा ख्याल है कि एक तो ये इनको ज्यादती नहीं करनी चाहिए, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। ये एक असूली काम है, असूली फैसला होना चाहिए और इस पर वोट दे हुकूमत को इस पर फारिग करना चाहिए। इसमें हुकूमत का नहीं, सारे मुल्क का फायदा है इस काम के लिए। अब देखिए कि इस वक्त हो क्या रहा है भारत की तरफ से। भारत ने एन इस वक्त जबकि आपके एफएटीएफ वाले रिव्यू करने जा रहे हैं आपकी इंप्लीमेंटेशन का कि आपने किस तरह तक इंप्लीमेंटेशन की है, ये सर पे खड़ी है चीज। उन्होंने पुलवामा का किस्सा दोबारा निकाल दिया और ना सिर्फ निकाला है बल्कि एक झूठ का बहुत बड़ा पुलंदा, जाली गुफ्तोशनी के मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे थे जिनके लिए वो, जिनकी वीडियो या जिनकी ऑडियो टेप बनाई है, वो दुनिया से जा चुके हैं, वो मारे जा चुके हैं लोग, वो जिंदा नहीं है कि उनकी आवाज का कोई सैंपल दे सके या उनके बारे में कोई कह सके कि ये उन्हीं का है, वो दुनिया में नहीं है। लेकिन उन्होंने वो इस तरह का सारा फैब्रिकेशन करके एक साल लगाया। उन्होंने उस वक्त तहकीक हुई थी और कहा गया था कि ये जो एक्सप्लोसिव है ये यहीं से लिया है, किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने वहां पे इस्तेमाल किया कश्मीर में और वो इनको भेज दिया। अब कह रहे हैं नहीं जनाब, वो तो इन्फिल्ट्रेशन करते थे तो हर दफा वहां से 12 kg उठा के लेके, उन पहाड़ों में तो 2 kg का वजन उठा के लेके जाना मुश्किल है और आप इन्फिल्ट्रेशन वाली की बात करते हैं, इन्फिल्ट्रेशन है नहीं। तो ये वो ड्रामा आपके खिलाफ चल रहा है जहां भारत आपको हर तरफ से घेर रहा है। पहले ही आपकी फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन ऑफिस इतना अग्रेसिव नहीं है कि जो भारत की हरकत है उनका पोल खोले। उल्टा आपके अपने लोग जब आपको इस तरह जलील करने पर उतरे हों तो आप सोचिए कि आपके मुल्क का बनेगा क्या। मैं तवक्को करता हूं कि इस पर कतन सियासत नहीं की जाएगी और बड़े होशमंदी से ऑपोजिशन और इस बिल को पास करवाए। सही मोना, ऑपोजिशन भले ही हुकूमत में नहीं है लेकिन ऑपोजिशन में रहते हुए भी वो इस जमहूरी दौरे हुकूमत का हिस्सा है। दूसरा ये कि जो खदशात आपको और हमें यहाँ पर लाहक हैं, ऑपोजिशन को भी इस हवाले से बेहतर आगाही होगी, तो फिर बिलों में मुखालफत इस बार करेगी पार्लियामेंट के मुश्तरका सेशन में? जरिया बात यह है कि पहले तो मुखालफत करेगी या नहीं करेगी, इसको इस बात पे आने से पहले दो बातें हम क्लियर कर लेते हैं। एक तो बात ही बिल्कुल दुरुस्त है कि एफएटीएफ की अगर खुदा ना खास्ता ब्लैक लिस्टिंग होती है या फिर अगर हम, क्योंकि ग्रे लिस्ट में हम लोग मजीद अब सस्टेन करें ये मुझे नहीं लगता कहीं ना कहीं इधर या उधर करना है इस फैसले को। 2018 से हम हैं इस लिस्ट का हिस्सा, ग्रे लिस्ट का हिस्सा, अब इसको एक साइड पर इन्होंने करना है। ये एक नज़र आ रहा है, एक रवैया खासतौर पर जो एशिया पैसिफिक ग्रुप है एफएटीएफ का, उनकी तरफ से या एक उनकी तरफ से एक ये एटीट्यूड नज़र आ रहा है कि लेट्स क्लोज दिस चैप्टर वंस एंड फॉर ऑल, एक इसका फैसला कंक्लूसिवली किया जाए। तो ये बात है कि ग्रे लिस्ट के बाद अगर खुदा ना खास्ता ब्लैक लिस्ट होते हैं हम, ये तो 100% इट्स अ गिवन कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए इसके तबाहकुन किस्म के असरात होंगे। और इस वक्त हमारी मईशत का जो हाल है खासतौर पर कोरोना वायरस के बाद से, वो वैसे भी हम सबके दिल में है, हम सबके सामने है और हम एक तरह से इसके रिसीविंग एंड पे हैं मईशत के एतबार से। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अगर जॉइंट सेशन होता है तो यकीनन जॉइंट सेशन में एक तो नंबर्स पूरे हो जाएंगे, जो ट्रेजरी बेंचेस हैं अगर उनके नंबर्स पूरे हो जाते हैं तो फिर जो अपोजिशन की तरफ से जो स्टांस आएगा या उनकी तरफ से हाँ करना या ना करना, मुखालफत करना या हिमायत करना,
वो मुझे लगता है इतना मायने फेज नहीं होगा जितना कि सेनेट में, क्योंकि सेनेट में तो बड़ी क्लियर अक्सरियत है अपोजिशन की, और नेशनल असेंबली से तो आपको पता है जैसे क्लियर हो गया था, वहां पर भी इन्होंने दो बिलों में अमेंडमेंट प्रपोज की थी अपोजिशन ने, और उनको ये था कि वारंट के बगैर गिरफ्तारी और वगैरह, इस पर उन्होंने एतराज उठाया था दोनों जमातों ने, और फिर उसका नैब की कुछ तरामीम से भी वास्ता था। तो खैर उनकी जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स थी वो रिजेक्ट हो गई उनके अमेंडमेंट्स के बाद से, आपको पता है कि कौमी असेंबली से तो इसका पैसेज हो गया, ये बिल गुजर गया, लेकिन जब वो अपर हाउस में गया तो वहाँ पर जाके फंस गया, और होना भी यही था। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कुछ अंडरस्टैंडिंग थी अपोजिशन के रहनुमाओं के साथ, जिसकी वजह से ये सेनेट गया था, और ऐसा महसूस किया जा रहा था कि गालिबन इसके लिए ज्वाइंट सेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ज्वाइंट सेशन इसीलिए बुलाया जा रहा है क्योंकि सेनेट में और ये जो टर्न बाय टर्न जो दोनों हाउसेज में बिल गया है उससे बात नहीं बनी है, नहीं हो पाया, तो इसलिए सेनेट में बुलाया जा रहा है बिल। अच्छा, इसमें भी मुझे कोई शक नहीं है कि ये बिल्स बहुत कुछ असलूबी से पास हो जाएंगे। एक तो नंबर्स की कोई कबाहत नहीं आएगी, दूसरा अपोजिशन की तरफ से भी अब नजर आ रहा है कि वो अपनी जो जो आपने वैसे भी दिखाया होगा, जो आपने देखा होगा दीगर भी जितने बिल्स वगैरह के मामला रहे हैं, पावो आर्मी एक्ट में तरामीम हो या कोई भी इस किस्म के मामला हो, हमेशा से ये हुआ है कि अपोजिशन अपनी एक जरूर एक जरा दिखाने के लिए एक अपनी अपोजिशन जरूर करते हैं, अपेरेंटली वो कुछ तरामीम भी लाते हैं, और वो बिल्कुल हक पे जानिब है, ठीक है उनका काम भी है कि अगर उनको कोई चीज लग रही है गलत तो वो उस पर तरामीम लाएं, लेकिन अल्टीमेटली चीज पास हो जाती है, अल्टीमेटली उस पर एज सच मुखालफत भी नहीं होती है, बोल के भी नहीं होती है, और वोट के जरिए तो नहीं होती है, वोट तो अपोजिशन नहीं देती है किसी इस तरह की चीज को। तो अब जो उनकी तरफ से एक टेम्परेचर मिल रहा है या जो उनकी तरफ से एक फीलिंग मिल रही है अपोजिशन की, वो यही है कि ना वो मुखालफत करेंगे और ये बासानी इस ज्वाइंट सेशन से पास हो जाएगा, क्योंकि सिंपल बात है नंबर्स पूरे हो जाएंगे। ठीक है, पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस शो करना चाह रही थी अपोजिशन, वो कर चुकी है सेनेट में अपनी, लेकिन अलग बात है कि हुकूमत के हवाले से या मुल्क सामित के हवाले से ये मामला है, तो अपोजिशन यहाँ पर तावुन जरूर दरकार करेगी अपना। एनबीसी, आप बताइए ये फैटिफ से मुतालिक जो प्राइम मिनिस्टर ने खदशात जाहिर किए हैं, वो खदशात अपनी जगह, और अगर हम बात करें मुश्तरक अजलास के पार्लियामेंट के सेशन की, तो यहाँ पर FATF के कानून साजे से मुतालिक अपोजिशन जो है वो तावुन करेगी या फिर मुखालफत करेगी बिलों की? अरे बिल्कुल बहुत ही पॉइंट बात है, पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन ये भी जरूरी है पाकिस्तान के लिए कि हमारा प्राइम मिनिस्टर, हमारे मिनिस्टर, हमारे अख्तिलाफ एक दूसरे को गद्दार करने का तरीका कार छोड़ दे। अब जब सेनेट में बिल मुस्तरद हो गया और उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर से लेकर नीचे तक सब ने कहा ये मुल्क के मफाद के खिलाफ है, ये मुल्क का दुश्मन है, दिस इज सो मच, ये पुराने जमाने की रवायत वापस लेकर ना आए आप, अयूब खान जी, जया खान जी, मुशरफ की, जिन्होंने हर आदमी को हर मुखालिफ को मुल्क दुश्मन कहकर मुल्क बदर कर दिया था, मुल्क के और बहुत से लोग मुझसे चले गए थे, मुझे ये पूरी तरह पता है, ये कौमी मफाद का मसला है। मैं आज भी कायम हूँ, मेरे उसके बाद भी बात हुई है कि शहजाद वसीम साहब की जो खूबसूरत उर्दू में उन्होंने गजल कही थी उस पर एतराज हो गया था जो खराब को, और हिजब खिलाफ उस गजल को मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाई थी क्योंकि उसका तरीका ही वो था, अंदाज ही इस तरह का था कि वो नाकाबिल समझ थी और नाकाबिल फहम थी कि इस आदमी को क्या हो गया, कि इस कैश के अंदर वापिस जनरल मुशरफ ने वजीर दाखिला की वो आ गई। अभी तो ये कायदेवान है, कायदेवान तो भ्रम होता है, शिबली साहब आजकल बहुत ज्यादा हंगामा कर रहे हैं हाउस में, वो जब कायदेवान थे उनका अपना खास तरीका था, एक साफ ले जाता, बुनियादी वजह शहजाद वसीम की बुलंदतरानी थी जो वो वहाँ कर रहे थे, और उसके अलावा मेरा ख्याल कोई मसला नहीं है, ज्वाइंट मनोजी भी कहा था आपसे ज्वाइंट सदन में जाएगा मंजूर हो जाएगा, हिजबी खिलाफ भी मुझे देश चला है वो ये इसकी मुखालफत नहीं करेगी, कतई नहीं करेगी, पहले भी मंजूरी दे चुकी है वो, पहले भी बहुत से एंटी ह्यूमन राइट बिल को मंजूर कर चुकी है, तो एक और से इस पर क्या मसला होता है, कोई मसला नहीं है, वो मंजूर कर लेंगे, तब हाँ में जवाब देंगे, बाबा से बुलंद हाँ होगा, कोई डिवीजन अप्लाई नहीं करेगा, कोई डिवीजन डिमांड नहीं करेगा, मंजूर हो जाएगा, ये पहले मंजूर होते रहे ना आर्मी चीफ से लेकर आज तक मंजूर होते रहे, आपस में मिलकर मंजूर होते रहे, मतलब सेनेट में जो कुछ हुआ आप ही कह रहे हैं वो शहजाद वसीम साहब के एक्शन पर ऑपोजिशन का ज्वाइंट रिएक्शन था, तहां मुल्क के साल में की अगर बात आती है तो ऑपोजिशन खड़ी हो गई इस मामले में, होना भी नहीं चाहिए, ठीक है, मुखालफत भी नहीं होनी चाहिए, अच्छा मुखालफत में भी नहीं जाएगी। रजा रोमी साहब,
देखिए, पहली तो ये बात है कि ये मामला